हाय गाइस, तो आ चुके यार एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ। और आज हम खेल रहे हैं यार क्रू चैलेंज का मैच। तो हम उतने फ़िलहाल जॉर्जो पूल और फिलहाल हमारे राइट साइड पे यार एक स्क्वाड है। तो चलो देखते हैं कैसे जो है हम वाइप आउट करते हैं पूरा जॉर्जो पूल। और पूरा वीडियो देखो और इन्जॉय करो। तो यार अब हमारा प्लान यही था कि इन लोग को कहीं पे भी हम रोटेट ना करने दें, जो ये वाले कंटेनर से जिस पे हम जा रहे हैं वहाँ तक भी रोटेट ना करने दें। तो इसलिए हम यार यहाँ पे आ गए। और अब देखो यार तुम इनको कैसे जो है मारते हैं। Enemies ahead. तो फिलहाल यार हमने अभी देखा कि यार सिर्फ यही स्क्वाड था एक जॉर्जो पूल के अंदर। और अभी टोटल जो है मेरे 2 किल हो चुके हैं और मेरे किसी 2 टीममेट्स के 1-1 किल हो चुके हैं। तो 4 किल अभी हमको मिल चुके हैं, मतलब यार 15-15 पॉइंट तो हमारे किल्स के हो गए क्रू चैलेंज के। अब यार मेन चीज़ यही है कि हम फोकस सबसे ज़्यादा किल्स पर ही करते हैं। पोजिशन हमारी मतलब आ ही जाती है यार फर्स्ट, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं। बट किल्स जितने हो उतने करो यार आप भी। तो अभी यार जॉर्जो पूल लूट रहे हैं हम। ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, आपको दिखा देता हूँ मैं। अब यार जॉर्जो पूल से निकलने के बाद हम इधर उधर घूम रहे थे, हमें कोई भी यार एक भी स्क्वाड नहीं दिखा, सारे कैंप करके बैठे थे। और उतने में ही मेरे को एक बगी स्पॉट हुई। और अब तुम समझ रहे हो जॉर्जो पूल से हम इस जगह पे आ गए जहाँ ब्रिज होता है उस तरफ। और यहाँ पे जा करके मेरे को अब एक कार दिखी है। अब हमने सोचा कि यार आगे वाले जो कंपाउंड है वहाँ पे बंदे हो सकते हैं। और अब देखो तुम क्या होने वाला है। वे इनको मिल रहे बंदे वाले। रुक जा भाई ब्रिज पे। सो गाइस, हमने यार ये वाला स्क्वाड भी पूरा जो है वाइप आउट कर दिया है। और टोटल मेरे हो चुके हैं 4 किल और टीममेट्स के भी होंगे 4 किल। तो टोटल जो है हमारे 8 किल हो चुके हैं अभी। तो सही है, अभी मतलब स्टार्टिंग सही जा रही है। और अभी 51 अलाइव हैं, तो बढ़िया किल्स मिल सकते हैं यार हमें इस मैच में। देखते हैं अभी कितने मिलते हैं। और तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि मेरा जो है माइक ग्लिच हो रखा है, मतलब मैं किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता मेरे टीममेट से। मैं सिर्फ ऐसा कर रहा हूँ, मेरा जो माइक ऑल है उसको ऑल पे कर रहा हूँ और टीममेट्स का भी ऑल पे। तो जब भी उनके पास में होता हूँ तब मैं बात कर सकता हूँ, बस ऐसा सीन हो रखा है। तो
कुछ पता नहीं है। और इतने में ही मेरे को पता चला कि भैया यहाँ पे भी एक और स्क्वाड है, मतलब एक और स्क्वाड आ गया। अब मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया कि भाई कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरा तो माइक ग्लिच है। अब तुम देखो आगे। तो एक जो बंदा भग गया था डासिया लेकर के, वो इधर की तरफ ही आया था। तो हम इधर चेक करने आगे कि इधर प्लेयर्स हैं या नहीं हैं। अब पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता बंद है या नहीं है। बाकी कुछ कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा मैं, तो उतने में ही देखता हूँ। मेरा जो टीममेट है वो मार्क कर दिया, तो मतलब बंदे हैं इधर। अब उधर से यार हम डायरेक्ट जो है इधर की तरफ आ गए। इधर हमें एक कार दिखी थी खड़ी हुई, तो भाई कार तो ऐसे खड़ी होगी नहीं कंपाउंड के अंदर। अब चेक करने आए हम यार ये वाले कंपाउंड, तो देखते हैं यहाँ पे कोई प्लेयर मिलता है या नहीं मिलता हमें। लेट्स सी। बना सो बंदा सामने 125। अब यार उधर की तरफ सिर्फ एक ही बंदा था, और फिर हम निकल गए, कार चेंज करी हमने, और अब इधर आ गए हम थोड़ा प्रीमोर्स की तरफ, क्योंकि जोन इधर ही बना था। एनिमीज अहेड। अबे कहां से मार रही है वो? अबे पहाड़ पे बंदे, पहाड़ पे भी हैं, पहाड़ पे भी हैं। Enemies ahead. आगे जाना पड़ेगा। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, देख रहा।
Enemies ahead. Enemies ahead. बंदे आ रहे हैं, चुप रहो। सामने बंदा लेटा, my timeline starts here. Oh, Paritosh 12 kill le.